दुकान में सेंधमारी की गई है। तिजोरी काटकर 12 लाख का सोना चांदी को चोर उड़ाकर ले भागे। नमस्कार, मैं हूं नमिता, बिग न्यूज 9 में आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने कांटी थाना के दामोदरपुर स्थित सराफा मंडी में आभूषण दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के पीछे से सेंधमारी कर वारदात को अंजाम दिया है। तिजोरी काटकर 12 लाख से अधिक के गहने, सोना व नकदी चोरों ने चुरा लिए। इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए से अधिक के फर्नीचर व दुकान के सेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि चोरों ने दुकान में लगी बाइक को छोड़ दिया है। घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह दुकान मालिक नवीन कुमार को एक पड़ोसी दुकानदार ने दी। दुकान के पीछे की दीवार में सेंध मारकर चोर अंदर घुसे थे। तिजोरी को मशीन से काटा गया था, उसमें रखे सभी प्रकार के गहने, सोना, नकदी चोरी कर ली गई थी। अन्य दुकानदार एवं स्थानीय लोग की भीड़ मौके पर लग गई। काटी थानेदार कुंदन कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। स्वान दस्ता बुलाने को लेकर पुलिस इनकार कर रही है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जांच के लिए स्वान दस्ते को बुलाने की मांग पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य नहीं होने की बात कहकर स्वान दस्ते को बुलाने की बात को इनकार कर दिया। तब व्यवसायियों ने नाराजगी जाहिर की, पुलिस के रवैये पर आपत्ति भी जताया। दोपहर में पीड़ित दुकानदार ने कांटी थाने में दुकान में चोरी को लेकर FIR कराई। ASP वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि चोरी की जांच कराई जा रही है, जल्द चोरों को दबोच भी लिया जाएगा। दामोदरपुर सराफ मंडी बंद रहा है। इस चोरी की घटना के विरोध में दामोदरपुर सराफ मंडी शुक्रवार को पूरे दिन बंद रही। दुकानदारों ने बताया कि पुलिस अगर 24 घंटे में चोरों को नहीं पकड़ती है तो वे लोग इस मंडी को आगे भी बंद रखेंगे। दुकानदारों ने बताया कि बीते सप्ताह भी चोरों ने कपड़ा दुकान को निशाना बनाया था, पुलिस FIR से आगे बढ़ ही नहीं सकी है। स्थानीय व्यवसायी प्रेम कुमार सर्राफ ने बताया कि दामोदरपुर मेन रोड पर पेट्रोलिंग होती है, लेकिन वह भी खाना पूर्ति मात्र है। जिस जगह चोरी की घटना हुई है वहां से 10 कदम की दूरी पर बैंक है, कई आभूषण दुकानें हैं। रत्नेश कुमार ने कहा कि दामोदरपुर में पहले भी दुकानों में चोरी हुई है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोर बेखौफ घूम रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे चैनल के साथ। आप देख रहे थे बिग न्यूज 9।